नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्दी जानकारी में। जानकारी वही जो आपके लिए सही। हिचकी आना बहुत ही आम बात है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत बार हिचकी आती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत दिक्कत होती है। इस हिचकी को ठीक करने के लिए बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिचकी आने पर ढेर सारा पानी पीते हैं, ऐसा करने से उन्हें आराम मिल जाता है। लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्हें पानी पीने से भी राहत नहीं मिलती है। वही कुछ लोग ऐसे हैं जो हिचकी आने पर यह कहते हैं कि उन्हें कोई याद कर रहा है। या ऐसा भी होता है, या ये लोगों का भ्रम है। लेकिन इसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर हिचकी आपको आती क्यों है। तो चलिए जानते हैं हिचकी आने के कारण के बारे में और इसे रोकने के उपायों के बारे में। ज़्यादा मसालेदार भोजन खाना। जो लोग बहुत ज़्यादा मसालेदार और तली हुई चीज़ों का सेवन करते हैं, उन्हें हिचकी बहुत आती है। बहुत कम मात्रा में पानी पीना। जब आप बहुत कम पानी पीते हैं तो इसकी वजह से आपको हिचकी आने लगती है, क्योंकि आपका गला सूखने लगता है। खाना ढंग से न चबाना। जो लोग एक बार में बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और अपने दांतों से खाना ढंग से नहीं चबाते, उन्हें हिचकी आती है। बहुत ज़्यादा मिर्च का सेवन करने से भी हिचकी की समस्या का सामना करना पड़ता है। शरीर में पानी की कमी होना। जब आपके शरीर में पानी की कमी होने लगती है तो इसकी वजह से भी ऐसा होता है। हिचकी को खत्म करने के कुछ घरेलू उपाय। तुरंत पानी का सेवन करने से आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। यदि ऐसा करने से भी हिचकी बंद नहीं हुई तो आप सांस रोककर पानी पिएं, तब आपकी हिचकी बंद हो जाएगी। आप 4 या 5 सेकंड के लिए अपनी सांस रोक लें, इसके बाद आप सांस लें। ऐसा करने से आपकी हिचकी आना बंद हो जाएगी। चीनी के सेवन से भी आप हिचकी को रोक सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ देर तक अपने मुँह में चीनी भर कर रखना होगा। अपनी हिचकी को रोकने के लिए आप नींबू का रस निकाल कर उसे शहद के साथ लें। ऐसा करने से आपकी हिचकी रुक जाएगी। या 2-3 काली मिर्च मिश्री के साथ मिलाकर अपने मुंह में रखें। ऐसा करने से भी आपको आराम मिलेगा। खाना खाते वक्त उसे ढंग से चबाएं और छोटे कोर खाने की कोशिश करें, तब आप हिचकी की समस्या से बचे रहेंगे। और ज़्यादा मसालेदार भोजन का सेवन ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी वीडियो में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।